प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम आपको कंप्यूटर सिखाएंगे कि कंप्यूटर को पहली बार कैसे स्टार्ट किया जाता है। देखो मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये ऑलरेडी स्टार्ट है, और यह है एक कंप्यूटर है जो स्टार्ट नहीं हुआ, इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर स्टार्ट करना है उसमें आप देखोगे कि इस मॉनिटर में एक तार है, ये तार लगी हुई है मॉनिटर की, इसको आपने पावर के साथ जोड़ना है, करंट के साथ जोड़ना है ताकि इसमें करंट आए तो ये मॉनिटर चलेगा। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि यह जो सीपीयू है इसकी मशीन कहते हैं इसको, इसकी जो पावर है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है, यानी एक मॉनिटर की तार और एक सीपीयू की तार करंट के साथ अटैच होनी चाहिए, और उसके जो बटन हैं ऑन होने चाहिए, जैसे इसका बटन ऑन है और इसका बटन देख रहे हो आप ऑन है, ऐसे ही इस कंप्यूटर हम चलाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बटन है उसको दबा देना है तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ऐसे ही हम इस कंप्यूटर को चलाते हैं। देखो इस मॉनिटर जो बंद है इसकी तार भी लगी हुई है, ठीक है, ये देखो इसकी तार है, इसके साथ अटैच है ये वाली, और इसकी जो सीपीयू की तार है इसके बैक में एक तार है वो भी अटैच है इसी के साथ, इसके साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमारी ये ड्यूटी है कि इस स्टार्ट के बटन हम दबाएंगे, ये हमने स्टार्ट का बटन दबाया और यहाँ से ग्रीन लाइट यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब इसको ऑन करेंगे, ये ऑन किया मैंने, अब कंप्यूटर ऑन हो गया है। फर्स्ट आपने अपना जो है मॉनिटर की वायर और सीपीयू की वायर को करंट के साथ अटैच करनी है, उसके बटन ऑन करने हैं, उसके बाद आपने सीपीयू का बटन दबाना है, और अगर मॉनिटर का बटन बंद है तो उसको भी आपने ऑन कर देना है। इस तरह आपका ये जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।